हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके पर्सन, आपके लवर, चाहे आपका सिचुएशन कुछ भी चल रहा है, उनके अनसेड मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए, जो उन्होंने आपको बताया नहीं है या वो आपको बता नहीं पा रहे और वो आपको मैसेजेस के थ्रू बताना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, अनसेड मैसेजेस उनके क्या हैं आज हम देखेंगे। आई विल बी यूजिंग माई हैंड रिटन मैसेजेस, तो मैं काफ़ी टाइम के बाद ये अपने मैसेजेस यूज़ कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। सो चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जिनके लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हैं उन पे फोकस करिए, अपनी एनर्जी को उनसे अलाइन करें। आप उस पर्सन का नाम रिपीट कर सकते हो, उनकी पिक्चर देख सकते हो, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। आप लोग उनको डेफिनेटली अपने साथ विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है, इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि रीडिंग आपसे अलाइन कर पाए। सो लेट्स सी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो गाइज मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है। एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर पॉजिटिव स्टफ। सो लेट्स सी, देखते हैं, फोकस करिए। सो फर्स्ट वी हैव, आई नीड टू हील माई ओन फर्स्ट। इस टाइम आई थिंक इस पर्सन को अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो इट डजेंट मीन कि ये पर्सन को ईगोइस्टिक है या एटीट्यूड में है। ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस आउट कर रहे हैं। जो भी इस पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ हैं उस पर वर्कआउट ये पर्सन कर रहा है। चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी है, सब के लिए रीडिंग ओपन है। यू इंस्पायर मी टू बी अ बेटर पर्सन। आई थिंक आपने इस पर्सन को काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी दी है, आप लोगों ने इस पर्सन को बहुत ही इंस्पायर किया। आप लोगों से मिलने से पहले ये डेफिनेटली बहुत ही कोई अच्छे इंसान नहीं थे, एंड स्टिल कहीं ना कहीं अभी भी ये वर्क कर रहे हैं कि आप लोगों के लेवल पे अपने आप को लेकर आ सके, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, बहुत मोटिवेट किया एक अच्छा इंसान बनने में। देन वी हैव, अवर लव वॉज रिटन इन द स्टार। दिस पर्सन लव्स यू सो मच एंड इनको लग रहा है यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि आपका जो प्यार है वो स्टार्स पे रिटन है, ठीक है ना। लाइक आपका मिलना फेटेड था, विदाउट एनी रीज़न आप किसी से भी नहीं मिल सकते, और ये पर्सन का मिलना और आपका मिलना जो है वो रिटन है, यूनिवर्स ने लिखा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा लव की फीलिंग्स हैं यहाँ पे। आई एम स्ट्रगलिंग टू ओपन माई सेल्फ अप टू यू। ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है गाइज इस टाइम, दैट्स व्हाई यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। इस टाइम आपके पर्सन जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने चाक्रास बैलेंस कर रहे हैं। एंड स्पेशली आई थिंक दिस पर्सन इज रियली वर्किंग ऑन देयर हार्ट चाक्रा एंड थ्रोट चाक्रा, ताकि इस पर्सन का हार्ट हील हो सके और ये अपना हार्ट को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब हार्ट, ऑब्वियसली हार्ट चाक्रा ओपन होगा तो थ्रोट चाक्रा भी ऑटोमेटिकली ओपन होगा। एंड देन दे विल कम्युनिकेट और आपको बताएंगे जो ये आपको कहना चाहते हैं, फिर ये पर्सन ईजिली ओपन अप होगा। सो आप भी मैनिफेस्ट करें कि इस पर्सन का हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा ओपन हो, ताकि ये पर्सन अपने दिल की बात ईजिली कम्युनिकेशन के थ्रू आपको बता सके। स्ट्रगल कर रहा है ये पर्सन, दैट्स वाई हील हो रहे हैं। आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स। या आई थिंक इन्होंने शायद यहाँ तो कन्फेस नहीं की अपनी फीलिंग्स, या फिर कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे थे आपसे। या हो सकता है स्टिल अभी भी अगर आपका कॉन्टैक्ट है तो वो कह नहीं पा रहा ये पर्सन। I still secretly long for you. ये पर्सन सीक्रेटली आप लोगों से बहुत प्यार करता है और आपके लिए तड़प रहे हैं। आई थिंक आपको इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि ये कैसा फील कर रहे हैं। ये पर्सन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। आपको मुझे लगता है बिल्कुल भी ये नहीं पता, क्योंकि फीलिंग्स इन्होंने हाइड की हुई हैं। और मे भी आप लोगों को लगता हो शायद ये पर्सन प्यार नहीं करता आपसे, तो अगर आपके साथ है, प्यार करता है तो बोल क्यों नहीं रहा। एनर्जीज की बात हो रही है, जेंडर कुछ भी हो सकता है इनका। आई एम लविंग यू फ्रॉम अफार। या अभी आप लोग दूर भी हो तो ये पर्सन स्टिल आप लोगों को प्यार करता है गाइस। इनकी फीलिंग्स आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते। आई नो आई नीड टू अपोलोजाइज। किसी तरह से हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी इनको अपनी गलती रियलाइज हो रही है, दैट्स वाई अच्छे इंसान बन रहे हैं और सीक्रेटली तड़प रहे हैं कि किसी तरह से आपसे बात कर पाएँ। या हो सकता है ये पर्सन अपोलोजाइज करने के लिए भी इसको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बिकॉज अपोलोजी करना इट्स नॉट एन ईजी। अपनी ईगो साइड पे, एटीट्यूड हर चीज़ साइड पे रखनी पड़ती है, तो दैट्स वाई स्ट्रगल चल रही है इस पर्सन की। या देन वी हैव, यू आर द ओनली वन डैट ट्रूली गेट्स मी। आप ही हो गाइस, जस्ट यू आर द वन जिसने इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स हैं या इसके दिल में जो जगह बनाई है वो सिर्फ आपने बनाई है ट्रूली। क्योंकि मुझे नहीं लगता इस पर्सन की लाइफ में कभी
कोई ऐसा कनेक्शन रहा है जो ये आपके लिए फील करें. तो देर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो फीलिंग्स कि यहाँ पे ये पर्सन को आपके साथ कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन है. आई एम डीलिंग विद माई कार्मिक पार्टनर राइट नाउ. ये पर्सन अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है. ज़रूरी नहीं है मैरिज हो, अगर मैरिज है तो मैरिज कार्मिक हो सकती है, अदरवाइज हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कार्मिक पार्टनर हो सकता है, मदर हो सकती है, कोई बॉस हो सकता है. देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो कि कार्मिक हो सकते हैं. तो ये डील कर रहे हैं अभी, दैट्स वाई हील होने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं ओपन अप होने के लिए आपसे. आई हैव ऑलवेज लव्ड यू एंड ऑलवेज विल. ये पर्सन आपसे प्यार करता है, इसने हमेशा आपसे प्यार किया और हमेशा ही आपसे प्यार करता रहेगा. दूर हैं लेकिन स्टिल ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं. फीलिंग्स ज़रूर छुपाई हुई हैं लेकिन सीक्रेटली आप लोगों से बात करने के लिए तरप रहा है ये पर्सन. काफ़ी बेचैनी दिख रही है मुझे यहाँ पे. आई स्टिल चेक अप ऑन यू ऑन सोशल मीडिया, यू आर माई फेवरेट ऑब्सेशन. काफ़ी ऑब्सेसिवली ये पर्सन की फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए. स्टिल आपको चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपको स्पाइक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, ये पर्सन पूरा जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन का फेवरेट ऑब्सेशन हो. ऐसा नहीं है कि आपको चाहते नहीं हैं या फीलिंग्स नहीं हैं, सब कुछ है लेकिन बता नहीं पा रहे. कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है इन्होंने पास्ट में किया, या तो रिजेक्ट किया आपको या आपको छोड़ा, कोई भी रीज़न हो सकती है उसकी. ओके, सो दीज आर द अनसेट मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, फ्रॉम योर पार्टनर, लवर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी सिचुएशन है आपकी. ठीक है, या सो दिस इज योर रीडिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.